अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आजकल वीकेंड चल रहा है तो सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि वीकेंड में ही हमारी नींद भी पूरी होती है तो हमारा नाश्ता जो होता है ना वो लेट ही हो रहा होता है। अक्सर ऐसे ही होता है क्योंकि सैटरडे संडे को बिहा का ऑफ होता है तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से फिर सो के उठते हैं, खूब नींद पूरी होती है और लेट ही नाश्ता करते हैं। तो अभी मैं बना रही थी आज बल वाले पराठे, क्योंकि चिकन का सालन पड़ा हुआ था ग्रेवी वाला, तो उसके साथ अगर पराठे हो जाए ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो कह रहे थे पराठे बना लो। तो अभी जो पराठा मैं बना रही हूँ ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बना था, तो ये पूरा का पूरा जो फ्लावर है ना इतना प्यारा बना था, मैंने ये सारा ना आपको डेडिकेट कर दिया। ये फ्लावर आप सबके लिए है, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये वाला पेड़ा और बहुत अच्छा बना था। खैर, तो यहाँ पे फिर मैं देसी घी के साथ ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि दूसरा घी जो है वो मैं नहीं यूज़ करती। ऑयल और देसी घी हमारे घर में यूज़ होता है। ऑयल की हंडी बनती है, हंडिया में यूज़ करती हूँ, और देसी घी के पराठे और इसके अलावा रोटी के ऊपर भी यही लगाती हूँ। तो आप लोगों के साथ मेरा जो शेयर करने का मकसद होता है ना, वो डेली रूटीन ही होता है कि मैं व्लॉगिंग के अंदर अपने घर की जो भी मेरे घर में पूरे दिन में हो रहा होता है मैं वो एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं आप डेली रूटीन शेयर करती रहती हैं, हम लोग देख देख के बोर हो गए हैं, आप कुछ डिफरेंट करें। तो बस मुझे ये बता दें कि क्या डिफरेंट करूँ ना, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंट करूँ। जाहिर है व्लॉगिंग में तो यही होता है ना कि डेली रूटीन ही होती है, और क्या डिफरेंट होता है तो आप मुझे क्लियर करें तो फिर मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। खैर, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर एक टोस्ट बना लिया था और साथ में एक आधा कप चाय, और चाय मेरी वाइट कलर की होती है क्योंकि मुझे जो है वो पत्ती ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं हल्की पत्ती में पीती हूँ। तो आप लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपकी कुकिंग रेंज और ना उसका ओवन का रिव्यू थोड़ा सा चाहिए हमें, तो मैंने कहा आज मैं बताती हूँ। आज ना मेरी हेल्पर ने ये बहुत अच्छे से साफ़ किया था कुकिंग रेंज, देखिए कितना अच्छे से चमक रहा है। अगर आप कुकिंग रेंज लेना चाह रहे हैं तो आप इस बात को यकीन बनाएं कि आपके घर में गैस जो है वो प्रॉपर आती हो, क्योंकि कुकिंग रेंज के लिए ना आपको प्रॉपर गैस की ज़रूरत होती है। प्रेशर के साथ आ रही है और हल्की फुल्की अगर आती है ना तो फिर आप कुकिंग रेंज बिल्कुल भी ना लें। मैंने तो गलती की, मेरे हमारे पुराने घर में गैस ठीक आती थी, वहाँ पर ये कुकिंग रेंज बहुत अच्छे से बेकिंग भी करता था, मैं सारे काम इस पर करती थी। लेकिन जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर गैस ना आने की वजह से मुझे ये वाला इलेक्ट्रिक ओवन ख़रीदना पड़ा। तो ये इलेक्ट्रिक ओवन भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, ये बड़े साइज का, फुल लार्ज साइज का, ये 20,000 का मैंने लिया था 2 साल पहले, और जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तभी मैंने लिया था, ये 3रा साल जा रहा है इस घर में। तो ये इसके फंक्शंस हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त बेकिंग करता है, और ये सिग्नेचर कंपनी का मैंने लिया हुआ है, तो मुझे तो ये बहुत बेस्ट लगता है। तो आप लोग देख लें जो आप लोगों को बेस्ट लगता है, और इसकी 1 साल की वारंटी भी है, और माशाल्लाह से अभी तक इसने कोई ऐसा मसला ही नहीं किया जो हमें रिप्लेस करवाना पड़े। इसके अलावा चॉपर के बारे में आप लोग भी बार बार पूछते हैं, तो ये NX कंपनी का, ये भी 5,000 में मैंने लिया था, और इसको भी तकरीबन 3 साल हो गए हुए हैं। अब इसकी क्या प्राइसेस होंगी ये मुझे आइडिया नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो रिव्यू शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी आपकी। खैर, तो यहाँ पे ये सब्जियाँ मैंने कुछ मंगवाई हैं, और आप लोग गेस करके बताएंगे मैं क्या बना रही हूँ आज, कुछ मज़े का बना रही हूँ। क्योंकि आज फर्नीचर जो है वो आ जाना है, जो मैंने आयरन टेबल और ड्रेसिंग टेबल दी हुई थी ना बनने के लिए, एक्चुअली वो बनी हुई थी बस लॉक वगैरह लगाने, तो उस खुशी में मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ले लिया, और इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, बोनलेस चिकन लिया है, और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल दूंगी, और इसके अलावा हम इसमें थोड़े से और स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि सिरका मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया। सबसे पहले मैं मैरिनेशन यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, तो मैरिनेशन रेडी करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। बहुत मज़े का ये बनता है, तो आपको मज़ा आ जाएगा आज के व्लॉग का। तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक का, और 1 ही चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल दिया। इसकी मैरिनेशन की रेसिपी बता रही हूँ आपको। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था दही, और इसको इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ये मस्टर्ड पेस्ट, ये मैं अमेरिकन गार्डन का यूज़ करती हूँ, तो 1 चम्मच ये भी इसके अंदर चला जाएगा।
तो साथ में पेपरिका पाउडर ये भी 1 चम्मच टीस्पून ये हम डालेंगे इसके अंदर। तो इसको अब हम कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चिकन जो है ना, ये बोनलेस मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट करवाया था, और उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली थी जैसे कि शिमला, गाजर, बंद गोभी, इसके अलावा हरा प्याज, इन सबको हम कट कर लेंगे। और इसको मैंने चकोर में कट किया, यानी कि स्क्वेयर शेप में इनको कट किया था। तो आप अपनी मर्जी से इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी कटिंग लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी। तो यहाँ पे सब्जियाँ कट करने के बाद मैं स्पेगेटी को रखने लगी हूँ बॉयल होने के लिए। तो ये बहुत बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है। ये देखिए, ये है स्पेगेटी, मैंने हाफ पैकेट लिया है। और इसके अलावा मायो, केचप और ये वेजिटेबल्स, ये मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं सिंगापुरियन राइस के। तो मैंने हाफ पैकेट स्पेगेटी का यूज़ किया, जो हाफ बच गया था ना, इसको मैं स्टेपलर की पिंस कर लगा के ना तो इनको वापस रख दूंगी, क्योंकि ये हाफ पैकेट बाद में भी यूज़ हो जाएगा। तो अच्छा, मैंने आज सॉल्ट मंगवाया था तो ये पिंक सॉल्ट आ गया है। तो आप लोग ये वाला यूज़ करते हैं या आप लोग दूसरा यूज़ करते हैं बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हमारी ड्रेसिंग टेबल जो है वो आ चुकी थी, तो अभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी देख के, और क्योंकि इतने अरसे के बाद ये टेबल घर में आई है ना, तो बिया की खुशी की इंतहा नहीं थी कि ये यहाँ पे खड़ी होकर रेडी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर स्पेगेटी जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी। जब भी स्पेगेटी डालती हूँ ना, मुझसे अक्सर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है, बाद में उठानी पड़ती है। साथ में 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं और इनको मैं बॉयल कर रही हूँ। अच्छा, मेरा चावलों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस दफ़ा फलक के चावल ही मैंने यूज़ किए हैं, और मुझे लगता है ये चावल ना सिर्फ बॉयल होने के लिए हैं। अगर आप बॉयल राइस बना रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट रहते हैं। फिर उसके बाद आधा घंटा गुजर चुका था, तो मैंने चिकन को भी यहाँ पर पकने के लिए रख रही हूँ। और ये देखिए, ये चावल ना बिल्कुल परफेक्ट बन गए थे। इस दफ़ा इसकी बिरयानी से ही नहीं बनती जो मैंने मंगवाए थे, और इसके अलावा मीठे चावलों के लिए बेस्ट नहीं है, सिर्फ बॉयल राइस के लिए ही बेस्ट हैं। स्पेगेटी यहाँ पे बॉयल हो गई थी, इसको मैंने रख दिया था साइड पे, और चिकन भी यहाँ पे पक रहा है। और चिकन को हमने ना अच्छे से भून लेना। तो यहाँ पे मैं तिक्का मसाला डालना भूल गई थी, तो बाद में मुझे याद आया कि तिक्का मसाला भी डालना है, तो फिर मैंने 1 चम्मच जो है वो तिक्का मसाला डाल दिया। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक ऑयल नहीं छूटेगा, उतनी देर हम ना स्पेगेटी बना लेते हैं। तो स्पेगेटी को मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ बिल्कुल, इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, चिकन वगैरह नहीं डालना क्योंकि चिकन मैं सेपरेट बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, नमक, सोया सॉस, सिरका बस डाल दूंगी और इसको पका लेंगे। थोड़ी सी सब्जियों को सोता करेंगे ताकि थोड़ी सी गल जाए, और फिर हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, सिरका, और फिर इनको भून के थोड़ा सा फिर स्पेगेटी डाल देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो आप मिस ना कर सकें। तो ये देखिए, माशाल्लाह से राइस बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे। इनको मैंने नमक और ऑयल डाल के बॉयल किया था। आज भी वही बर्तन था जो मैंने उस दिन यूज़ किया था। आप लोग कह रहे थे ना कि बर्तन आपने छोटा लिया इसलिए ऐसे हुआ है, तो आज भी यही था। लेकिन मैंने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि वो बॉयल राइस के लिए सही है, ये वाले चावल बिरयानी वगैरह के लिए बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्पेगेटी जो है वो फिर मैंने डाल दी थी, सब्जियों को मैंने भून लिया था अच्छे तरीके से, थोड़ी सी गल भी गई थी क्योंकि बिया ने तो यही खाना था, बिया ने सिंगापुरियन राइस नहीं खाने थे। तो बस इनको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम ना सॉस भी बनाते हैं। इसको मैं कवर करके थोड़ी देर रख दूंगी मिक्स करने के बाद। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप जो है वो मायो का लेना है। मैं मेजरमेंट्स के लिए ये वाला कप यूज़ करती हूँ, लेकिन आप जो भी यूज़ करें वो वाला ले लें। तो 1 कप हम इसमें मायो का लेंगे क्योंकि सॉस हमने ज़्यादा सारी बनानी है, इसमें ज़्यादा सॉस ही यूज़ होती है। तो 1/3 कप हमने लेना है केचप का, यानी कि 1/3 कप हमने केचप का यूज़ करना है। इसलिए मैं ये मेजरमेंट के लिए रखा हुआ ताकि मेरी सॉस की रेसिपी आगे पीछे गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल एज इट इज़ बनाना है। और 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें चिली सॉस मैंने डाल दिया। वैसे अगर इसी रियल रेसिपी में ना हॉट सॉस डलता है, मेरे पास हॉट नहीं था मैंने इसलिए चिली डाल दिया, लेकिन आपके पास अगर हॉट सॉस है तो वो डाल दें। फिर उसके बाद 1.5 टीस्पून हमने इसमें डालना था मस्टर्ड पेस्ट, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। और ये जो सॉस है ना ये ज़रूरी है बननी, साथ में 1 पिंच नमक का और 1 पिंच ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, बस ये इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है। बस आप मिक्स करते जाएंगे ना तो ये इतना प्यारा सा सॉस बन जाएगा। ये देखिए ये कितना अच्छा सॉस बन गया, ऐसा लग रहा है शवारमा सॉस है और जिंगर वाला सॉस लग रहा है। वैसे उनकी रेसिपीज भी मिलती जुलती हैं। है तो यहाँ पे चिकन भी जो है वो बन रहा था और ये ऑयल छूट गया था यहाँ पे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। साथ में हमारा फर्नीचर भी आ चुका था, ये आयरन टेबल है जो मैंने बनवाई थी, 5000 की बनी थी और ये बनी बनाई ही ली है, जो सस्ती मार्केट है ना फर्नीचर वाली, मैंने यहाँ वहाँ से फर्नीचर लिया। और साथ में ये ड्रेसिंग ली है, तो ये ड्रेसिंग 7000 की आई है और जो आयरन टेबल है वो 5000 की आई, यानी कि टोटल 12000 का ये थोड़ा सा फर्नीचर जो है वो मैंने लिया है, क्योंकि किराए के घरों में फिर इतना महंगा बनवा के क्या करना है। वैसे महंगा जो बनता है ना वो 35-40 हज़ार से कम का ड्रेसिंग टेबल नहीं बनती, मैंने वो बनवानी है इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला घर देंगे। खैर, तो यहाँ पे स्पेगेटी जो है वो रेडी हो चुकी थी। ये देखिए
और साथ में राइस भी बॉयल हो चुके थे और चिकन भी बन चुका था। अब हम करने लगे इसकी जम्बलिंग, यानी कि इसकी ड्रेसिंग, क्या कहते हैं, उसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हमने डालने हैं बॉयल चावल, फिर उसके बाद मैंने सॉस जो बनाई थी, ये मैंने पाइपिंग बैग लिया, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। वो सॉस डालने के बाद फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था, बनाया था ना, ये अच्छे से गल गया था और ऑयल छूट गया था। फिर आपने भून के फिर आपने डालना है इसको नमक मिर्च टेस्ट करके। और फिर उसके ऊपर मैंने स्पेगेटी जो सिंपल सी मैंने बनाई थी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्योंकि जो चिकन है ना वो थोड़ा स्पाइसी था, वो बहुत यानी कि उसने इक्वल कर दिया था सारा टेस्ट। तो फिर उसके ऊपर मैंने स्पेगेटी डाल दी। फिर लास्ट जो थी ना इसकी लेयरिंग करनी थी वो था सॉस डालना था, बस सॉस डाल देना था। और यकीन करें सारा सॉस ही यूज़ हो गया, लगे इतना ज़्यादा मैंने बनाया था, क्योंकि दो दफ़ा लेयर्स लगाई थी ना इसकी। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से माउथ वाटरिंग जो सिंगापुरियन राइस थे ना वो रेडी हो गए थे। वो सच में बहुत बहुत मज़े के बने थे, तो आपने ट्राई ज़रूर करने हैं। ये राइस आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा मैंने एक स्वीट डिश भी बनानी थी, लेकिन फिर वो एडिटिंग के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिला और मैं शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने साथ में क्या बनाया था रात के लिए, क्योंकि आज मैंने दावत की थी, ये अपने घर में ही दावत की थी उसकी खुशी में, फर्नीचर आने की खुशी में। साथ में अभी यहाँ के चाचू चाची जो नीचे फैमिली रहती हैं उनको भी फिर मैंने एक प्लेट जो है ना वो डेकोरेट करके भेज दी थी, क्योंकि चावल जो है ना वो बच गए थे। और इसके अलावा स्पेगेटी भी बची थी, काफ़ी ज़्यादा ही मैंने बना ली थी क्योंकि उनको भी भेजना था। साथ मेरी हेल्पर कह रही थी मेरे लिए भी बाजी ज़रूर रखना, तो मैंने उसके लिए भी रखी है फिर। तो यहाँ पे फिर हमारा ड्रेसिंग टेबल आ गया था और भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये तो थोड़ा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह इसकी ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, फिर वो और वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, ज़रूर देखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।